माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी छबियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने देखा तो मैंने कहा यहाँ से लेनी चाहिए छबियाँ। चौदह डूबिया वाद के अंदर जाने जाओ। ये देखो, ये भी अच्छी पड़ी हुई हैं। ये देखो कितना प्यारी प्यारी हैं। ओए होए होए, आज जो है बारिश हुई है रात को, देख सकते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आपको दिखवाते हैं बाहर का माहौल कैसा है। झाड़ू लगा हुआ है यहाँ पे, हमसायों ने लगा दिया है, लेकिन हमारा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे झाड़ू लगा नहीं सकते। कुछ दिन के बाद जब हमारी सीढ़ी बन जाएगी ना ऊपर, तो फिर जो है हम हमारा ये सामान क्लियर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो है इसको पक्का करवा दें। वो परिंदा अंदर चला गया, ये गन्ने का परिंदा होता है, वो बैठा हुआ है सामने, वो देखें क्या है? परिंदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तेरे बड़े बड़े क्या हाल है? अभी हमारा हम ठीक है, थोड़ा सा मेरे स्वेल हो चुकी है अभी। पीछे कांटे, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ ना, स्वेल हो चुकी है अभी। इधर आओ, कुछ दोपहर हो गई थी। हाँ, मैं अपने नए कपड़े पहनूंगा फिर। बस हाँ जी, नए कपड़े पहनेगा। आप भी सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं हमें जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, लग शुक्र हम भी खैर से हैं, और हमारे दुआएं हम देखो जहाँ भी रहें खुश रहें भाग रहे। अंदर चलें? क्यों चलें, वो सर्दी है बाहर। नहीं, वो मैं पानी लेने जा रही हूँ, किधर ठंडा पानी है। कोई बात नहीं, मैं गर्म करके ना आऊँगा ना। तो आज हमने जाना है कहीं मम्मी वालों के साथ, तो इसलिए ना हम तैयारी वगैरह कर रहे हैं। नीचे खुद भी गारे वाले पेड़ हैं, बाहर उन जगह से मिट्टी तो चिमड़नी है ना। पानी देखिए कितना हो गया नीचे ना। हाँ, ये पक्की जगह पे ऐसे होता है ना, थोड़ा सा मियाँ आ जाए तो फिर ये ऐसे बन जाते हैं ना। तो नहीं है, ये धुंध का पानी है। नहीं नहीं बारिश है, हो भाई, हो भी रही है अभी, वो ऊपर आ रही है, हमारे ऊपर भी आ रही है, मोबाइल के ऊपर भी आ रही है, छोटे छोटे कतरे बारीक बारीक। इसको बंद कर दो, हवा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ी ठंडी हवा आ रही है इधर से ना। दरवाज़ा जो ही खोलते हैं ना, गर्मियों में भी जब खोलते हैं ना तो फिर यहाँ से हवा आती है बहुत ज़्यादा, अब सर्दियों में भी तेज़ तेज़ हवा आ रही है ठंडी बर्फ़ की तरह। ओए ना करो, ओए ना करो, ना करो, ना करो, इसको हिलाती हूँ मेरा दिल हिलता है। मेरा दिल धक 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 ऐसे करता है, धक धक धक। क्या हाल है, ठीक हो, खुश खड़े हो? इनके बीज लगे हुए हैं जिसके ऊपर, अभी मौसम कुछ पतझड़ की है ना, इसलिए पत्ते वगैरह गिरा रहे हैं ये, है ना। हाँ चलो, फिर मुझे भी खाना वगैरह दो, फिर मैं भी खाता हूँ। यहाँ पे परिंदों को भी आराम नहीं आता, परिंदों को भी आराम नहीं आता, ये जो है ना उड़ रहे हैं सर्दी में। हाँ जी, ये देखें, ये कतरा आया हुआ है बारिश का। अभी आप कह रहे हो बारिश नहीं आई, ऐसे ऊपर मुंह करके खड़ी हो जाओ, देखो मुंह पे ऊपर आते हैं कतरे, आते हैं ना, ब्रीक ब्रीक है, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक। चलो भाई अंदर बैठो, चलो चलो, शाबाश, सर्दी है, आ जाओ आप भी। कोई बात नहीं, अब क्या मतलब पाँव कटवा दें फिर? नहीं, वो फिर पानी में मट्टी ज्यादा जम जाती है ना गंदी। वाओ माशाल्लाह जी, समीना की तैयारी हो चुकी है, इसने पुराना वाला ड्रेस जो है वो पहन लिया है, लेकिन इसने पोटो शोट नहीं मारा, क्यों वजह? बस हम कौन सा शादी के जा रहे हैं। हाँ काम जा रहे हैं, बहुत अहम काम है, तो मामी वाले भी साथ हैं, मामी साथ है, समीना और मैं और अरहम जो है ना वो जा रहे हैं। वाओ वाओ वाओ, जबरदस्त जी जबरदस्त, अरहम तो बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ सुरमा यहाँ बिखेर दिया है, इसने खुद ही ऐसे गंदा कर दिया है। हाँ जी, तो ये जो इसके नए कपड़े हमने लिए थे ना, वो इसने पहने हैं माशाल्लाह। वैज ने लगाने नहीं देता, वो जो थ्री पीस लिया था वो पहनाती ना आप? वो नहीं पहना देता, ये अच्छे हैं। क्या अच्छा, वो भी तो आकर पहनने ही है ना। इधर से सीधे करो, इधर से भी सीधे करो, देख सारे कपड़े पीछे से मिट्टी कर दिए। अल्लाह कोई हाल नहीं है आपका, जितना भी आपको अच्छा बना देना, आपने वैसे ही गंदे करने होते हैं कपड़े। मैंने दीवार के साथ टेक नहीं लगा। फिर मिट्टी कहाँ से लगी?
हम को इंसान को ना शर्म हया होना चाहिए हैं। आपके अंदर तो कुछ भी नहीं है शर्म हया, है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी ठीक हैं। मैंने भी वही पुराने कपड़े जो है वो पहन लिए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जूते वगैरह पॉलिश कर लिए हैं, चेहरा वगैरह भी पॉलिश कर लिया है तो अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं जी किचन में, देखते हैं कि ये जो है ना वो क्या कर रही है अचानक से, चाय वगैरह पी रही होगी। हाँ नहीं, मैं वो थोड़ा सा सफाई कर रही हूँ। अच्छा, किचन की। चले जी, ये जो है वो करती है सफाई। तो हम देखते हैं माहौल, मामी वालों से पूछते हैं उधर उनके घर से कि वो तैयार हुई है या नहीं हुई। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है फूल हमारा। तो यहाँ पे वैसे ही जिस तरह सुबह सुबह मौसम था ना, वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। हल्की हल्की फुहार जिस तरह होती है, जिस तरह एक फुहारे से वो लहर निकलती है ना पानी की, हल्की हल्की पतली पतली ब्रीक फुहार, वैसे जो है ना वो चल रही है सुबह से। तो रात को भी मेरे ख्याल में ऐसा ही था। रात को 10 बजे उठा था मैं, और फिर 3 बजे उठा था मैं रात के, उस वक्त भी ये नहीं थी। मेरे ख्याल में उसके बाद ही ऊपर आसमान की ओर बादल वगैरह बने हैं और फिर बरसना शुरू हुए हैं। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह का निज़ाम है। तो ये भी हो सकता है बारिश हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि कहते हैं कि अगर सर्दी फुल हो ना और बारिश हो जाए तो फिर जो है सर्दी का तोड़ ख़त्म हो जाता है। तो शुक्र अल्लाह का। और यहाँ पे जो है ना अरिबा आई हुई है, ये देखें अरिबा क्या हाल है आपका, किधर जा रही हो, किधर जा रही हो? वाओ माशाल्लाह, आपके अब्बू किधर गए? गाजरे पटने गए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, चलो जाओ, ठीक है, शाबाश। तो ये मेरे मामू की बेटी है, वो गाजरों का सीजन है ना अभी, तो वो गाजरे वगैरह निकालते हैं ना जमीन से, तो वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो वो काम पे है। तो हमने कहा, मामी ने हमें कहा था, एक हफ्ते से कह रही हैं कि आपने मासा चलना है, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर आज प्रोग्राम बना है सोमवार वाले दिन का, आज हम जा रहे हैं अहम काम। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको बताएंगे, वरना आपको नहीं बताएंगे कौन सा काम है। ये कुछ कुछ काम होते हैं सीक्रेट, जो नहीं बताए जा सकते, ठीक है जी। अभी यहाँ पे ये हमारा नोलू जो है बहुत हैप्पी है। हैं हैप्पी हो आप? ये खुश है कि मैं जो है ना घूमने के लिए जा रहा हूँ, और नए कपड़े भी मैंने पहने हुए हैं ना। किधर जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं जख मारने। जाख जो होता है एक परिंदे का नाम है जाख। तो एक शिकारी था, वो शिकार करने के लिए गया था, वो परिंद जाख जो परिंदा होता है ना, वो उसका शिकार करने के लिए गया था। तो उसने जो है वो किसी बंदे ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, वो परिंदा बड़ा शरारती होता है जाख जिसका नाम होता है। तो वो जब शिकारी जब गया ना शिकार करने के लिए, उसने ऐसे बंदूक तानी और परिंदा उड़ के उधर चला गया। फिर उसने बंदूक तानी उधर, परिंदा उड़ के इधर चला गया, क्योंकि शरारती जो था सारा दिन उसका ऐसे गुजर गया और उस वो मार नहीं सका जख को। और फिर जब वापस गया, घर वालों ने घर उससे पूछा कि किधर गए थे, वो उसने कहा था जी मैं जख मारने के लिए गया था। तो उसने सच बात की है कि हमें जख मारने के लिए गया था, परिंदा मारने के लिए गया था, लेकिन वो मरा ही नहीं। तब से ये मिसाल जो है इसने गर्दिश की कि मैं हम जख मारने के लिए जा रहे हैं, मतलब परिंदा होता है एक जख, लेकिन लोग जो है इसको नेगेटिव सोच लेते हैं कि जी कोई बुरी बात है जख, हालांकि जख परिंदे का नाम है, है ना राम? हाँ जी, देखें जी चारों तरफ जो है सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा। एक वो आ रहा है या फिर एक मैं हूँ यहाँ पे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो लोग जो है घर से बिस्तरों से निकलते ही नहीं हैं। जिन्होंने काम करना होता है वो तो निकलते हैं, अदरवाइज़ छुपे हुए होते हैं सारे और हाथ सेक रहे होते हैं आग के ऊपर। ये जी कब्रिस्तान है, और ये हमारी सब हम सब की आखिरी आरामगाह है, और यहाँ पे घड़े भी भरे हुए हैं पानी के, कि जो भी मुसाफिर यहाँ पे आए और यहाँ पे पानी पिए। यहाँ पे नलका भी लगा हुआ है, ये देखें। तो अभी हम यहाँ पे आए थे हाज़िरी देने के लिए कब्रिस्तान में, माशाल्लाह जी। और यहाँ पे छाँव के लिए जो है ये दरख्त भी लगे हुए हैं ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारा सामान लगा हुआ है बच्चों के खेलने का, यहाँ पे गुड़ियाँ भी हैं देखें, और यहाँ पे ऊँट ज़बरदस्त लग रही हैं। यहाँ पे जो है ना मेला लगता है तो हर संडे को, तो यहाँ पे इसलिए ना सामान वगैरह रखा हुआ ताकि बच्चे वगैरह जो आते हैं मुसाफिर वगैरह वो खुश हों, देखें और लें। ये औरतों की जो होती है ना ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पे वो रखी हुई हैं,
और यहाँ पे देखिए मास्क वगैरह है, और ये बच्चों के छिनकने होते हैं ना ये वो है ज़बरदस्त खिलौने वगैरह बच्चों के। और यहाँ पे ये चीज़ी वाले खड़े हुए हैं, और ये घड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अभी जो है ना यहाँ पे समीना ले रही है चीज़ें, तो ये अरहम भी यहाँ पे खेल रहा है, खुश हो रहा है चीज़ों को देखकर। हाँ जी, चूड़ियाँ वगैरह लेनी है, क्या लेना है? क्या देखते हैं? ये तो कंगन है मोटे मोटे, वो चूड़ियाँ उधर पड़ी हुई हैं बहुत प्यारी प्यारी, वो देखो वो चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, देखो ना ये चूड़ियाँ अच्छी हैं, ये देखो कितना प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं। आपको याद है पुराने दौर में ना औरतें सर पे उठा के ना चूड़ियाँ बेचने आती थी हमारे गांव में, याद है ना? तो ये वो उसी टाइप की चूड़ियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। अच्छा लेते हैं, क्या चूड़ियाँ चाहिए इसको भी? वो कहता है खिलौने लेके दो। चलो ये देखो, ये भी अच्छी पड़ी हुई हैं, ये देखो कितना प्यारी प्यारी हैं। आप बताओ कौन सी प्यारी हैं चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कौन सी प्यारी हैं आप बताओ ना हमें। अच्छा चंगियाँ केड़ियाँ नहीं दे चो, ये चंगियाँ 120 रुपये, बड़ी सस्ती हैं ना? हाँ तो शहर में इतनी महंगी महंगी देते हैं 500-600 रुपये के, ये बेचारी कितना सस्ती दे रही है ना। पहन लो जल्दी करो, सस्ता माल मिल रहा है हमें, मुफ्त का माल है समझो, जल्दी करो, मिंट लगाओ। यार ये सारी अच्छी हैं यार, ये देखो रंग बिरंगी, ओए होए होए होए, ये पीटीए का कलर हो गया सब्ज और लाल, हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला। ये तो नहीं, ये तो हम उठा लेंगे डाले वाले। हाँ ये कलर भी बहुत अच्छा है, ये देखो ये भी बहुत अच्छा मेरे हाथ की है, पता नहीं है क्यों नहीं है, हर साइज की हैं, आपके हाथ से बड़ी बड़ी भी हैं, आपके हाथ से छोटी भी हैं, आपके हाथ के बराबर भी हैं। ये देखो बच्ची बहुत माशाल्लाह समझदार है, उसको पता लग गया है कौन सा साइज आपको लगेगा। चलो अब आपको दिखा रही है, अब ये देखो नहीं वो खुद देख के पहनाएगी ना, ऐसे थोड़ी पहनाएगी, आराम से कांच ना वो अंदर लगा दे। नहीं नहीं वो समझदार है यार, ऐसे थोड़ी टूट गया। कोई हाल नहीं समीना आपके, डर लगता है मुझे। कोई बात नहीं, हाथ सामने है, हम देख लेंगे कुछ होगा तो, है ना? ये देखो ये आएंगी, ये आराम से मेरा हाथ वो वजन है, थोड़ा सा तेल लगा लो, तेल पता नहीं है कि नहीं। ये देखो हाँ तीन आ चुकी हैं जी, ये ठीक है, और भी पहनाओ। कलरफुल थी भी नहीं ऑनियन दर्जन में, कलर अगर चेंज करा था। हां बीबी मतलब कलर चेंज थी, सोना लगसन का लगसन सोनिया चलो देख के ना वाला हूं जना वस्ती ला पेन वो तो देनी पिए चंगिया मंगा। हां देख वाला हिको कलर है, देख ना उंदी भेण भी ना पी वदिया कलर दिया, तू भी हो जा पागल भाई, निकली भी आ गई है पर तेको वंगा चाहदियां अस तेरी भेण। अच्छा मतलब तुम्हारी अपनी दुकान है, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, इसी नाल हो से पर ये सारे दुकान वाले जितने भी हैं ना इन्हें अपना अपने दुकान है नाल नाल घर नहीं लेंगे। हाँ मतलब तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं ना किवें। चल ये हूँ 120-140 कैलकुलेशन थे, मतलब एक वांग 120 रुपये दिए इवें ना, सेट पूरा 120 रुपये। ओए मैं तो भूल गया, मैं एक वांग 120 रुपये दिए सेट पूरा, मतलब छी हो जाने वांगा, छी हो जाने 12 हो जाने 12 हो जाने छी हो जाने सेट 14 डूबियाँ वाद के अंदर जाने जो
ऐसे ही बस सही है सही है कड़े की देगी इनको भी कुछ चाहिए दिए क्या चाहिए आपको हम खिलौने चाहिए आपको हाँ चलो क्या ये दो चुड़ियां मैंने कहा और भी पहना दो गिफ्ट गिफ्ट दे रही है दो चुड़ियां नहीं फिर हमको हम हमें भी उसको गिफ्ट देना चाहिए फिर तो क्या आप क्या गिफ्ट दोगी उसको फिर हाँ दुआ भी दे सकती हो ना गिफ्ट में अल्लाह पाक इसको इस कारवां में तरक्की दे इसकी सारी वंगा विक जाए शाम तक है ना ये चंगी भली रोजी कमा के घर चली जाए पैसे दो पैसे पास मेरे पास कहाँ से है पैसे आपने कहा ये जो है ना ले रहा है यहाँ पे ट्रैक्टर तो आपको पता है हर बार ये ट्रैक्टर लेता है लेकिन घर जाकर तोड़ ही देता है ये ये देखो वो अच्छे अच्छे खिलौने हैं वो देखो ये घोड़ा आ गया गुड़िया बर्तन कौन ये वाले लोटे हाँ ये वाले ये बर्तन ही तो हैं ये बर्तन कितने देने सही त्रैसौ बर्तन है और हम हाँ डेढ़ सौ वाले भी हैं देख डेढ़ सौ वाले भी हैं ट्रैक्टर चाहिए ट्रैक्टर कितने का है बस 150 का ट्रैक्टर है बस चलो ठीक है यहाँ पे अरिबा ने भी लिया है ये बस एक चीज ठीक है अब हर चीजें अब इतना सारे नहीं है पैसे ना 80 पड़े तो बाकी 20 रुपया काट गए हैं बस 120 पड़े गए अच्छा कोई गाल नहीं कोई गाल 150 काट लें कोई बात नहीं आपको दो वंगे गिफ्ट दिए हैं ना अब मैं ये कैमरा ऑन ना होता ना ये इसने काम नहीं करवाना कहता मेरी बात सुनो आपको दो वंगे वो छोटी बच्ची ने दी हैं एक्स्ट्रा हाँ प्यार मोहब्बत उसने दिखाया प्यार मोहब्बत आप भी दिखाएं 20-30 रुपए 20 ज्यादा है ये बस कर दो 20-30 रुपए का कुछ नहीं होता छोटी बच्ची है खुश हो जाएगी ना अब उसको कह देना बच्ची को कि आपको ना 30 रुपए हमने गिफ्ट दिए हैं ठीक है हाँ जी बच्ची बहुत अच्छी थी माशाल्लाह प्यारी थी कितने हमारे वापस आएंगे अभी ना हम यहाँ से ले रहे हैं जी रेवड़ियाँ रेवड़ियाँ जो होती है ना बहुत ही मज़ेदार होती हैं तो यहाँ पे भी लगी हुई हैं उधर भी ना लगी हुई हैं तो ये होती हैं किधर गई हैं ये जो है ना तिल वाली रेवड़ियाँ ये चाहिए हमें कितने का शॉपर है ये भाई 50 रुपये कितने चाहिए दो चाहिए तीन चाहिए ये ब्रेक वाली देखो ब्रेक वाली ठीक है ना किसी को देंगे थोड़ी थोड़ी जाएगी है ना ये भी 50 ये भी 50 का दिए वाला हुंदे को चंगी नहीं लगे किनो सा ये भी 50 दिए हां तो वाला एक बड़ी मोटी है चलो जी ये दो आ चुकी हैं ये लो इधर से 100 रुपए निकाल लो 100 में ले वापस 100 वापस दो मुझे ये जी ये हमारी आ चुकी हैं दो शॉपर ये पढ़े हैं भाई चने फुले वाला चने फुले लेने हैं कितने दा ये ना एक ये ये ले लो लाची वाले और एक ले लो ये चने वाले मिक्स करके खाओ ना वाला मज़ा आता है हाँ लेकिन ये है मीठा ना फिर मसला भी तो है मीठा हाँ ये फिर इसकी नहीं निम को वे निम को नहीं ना लो ये निम को ना लो ये ना लो निम को वो नमकीन कुछ हो जाएगी ना चलो ले या ना ले चक तो सही है असल में ना कुछ दिन ज्यादा लग ज्यादा पड़ी रहती है ना फिर इसलिए स्मेल मच जाती है शापरों के अंदर नहीं शापरों में बाजू का शापरों में पड़ी रहे ना फिर भी स्मेल हो जाती है मैं वैसे कह रहा हूँ उधर से अलग डलवा लो बस यहाँ से वो यही चीज है अच्छा इसको इसको खोल के चेक कर लो इसको ना खोल के चेक कर लो माशाल्लाह जी माशाल्लाह यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी छबियाँ लगी हुई हैं तो मैंने देखा तो मैंने कहा यहाँ से लेनी चाहिए छबियाँ ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही प्यारी हैं और यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है वो
कमाल है ना। हाँ ये ना हम जब मड हाउस बनाएंगे ना उसमें रखेंगे। हाँ कितने का झूला यार ये? हुई 1000 रुपए का। ये तो बहुत महंगा है लेकिन छबियाँ। हाँ छबी 150 रुपए की छबी है। अच्छा ये रियाद करें, हमने 2 लेनी है। कितने की? ओए ये गिर गया जी। रियाद करें कितने की देंगे? 150 रुपए की बताई है तो अभी देखते हैं, इसमें शीशा भी लगा होगा, ये चेक करें जी कितने की देंगे ना। रियाद करें ना, 1-2 दे दें। 250 रुपये ये फिर हम डेकोरेशन बनाएंगे ना घर में, ठीक है।